हेलो गाइस, तहजीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर के बारे में या कोडिंग के बारे में या सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं कोई भी नॉलेज नहीं है, और उनके लिए बेनिफिट्स है जिनको नॉलेज है। तो आप कुछ शॉर्ट्स देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को बंद कर देना, तो ये अपने आप खुल जाएगा। तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को शो करूँगा, वॉच बॉक्स को, तो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है वॉच बॉक्स, तो इसकी एक्यूरेंसी कितनी दिखा रहा है, 100%। यानी ये मशीन बिल्कुल श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। आपको लिखना है टीचेबल मशीन। आप जैसे टीचेबल मशीन लिखोगे, इंटर करोगे, तो आपको एक लिंक आएगा, पहले ही वाला लिंक मिलेगा। आपको नहीं मिलता है तो आप ये देख लें, टीचेबल मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट आपको पूरा पढ़ना है। मैं आपको समझा तो रहा हूँ कैसे होगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है आपको खुद चीज़ें करना आनी चाहिए कि कैसे लोग कर रहे हैं, कि मैं कहाँ से सीख रहा हूँ। तो आप इस वेबसाइट को पूरा पढ़ना, यहाँ पर लिखा है और उसकी वीडियोज़ भी हैं कैसे किया है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप तीन तरीके के प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक इमेज रिलेटेड, एक ऑडियो प्रोजेक्ट और एक पोज रिलेटेड। तो मैं अभी इमेज वाला प्रोजेक्ट करूँगा, ऑडियो और पोज वाला बाद में इसकी वीडियोस बनाऊँगा। तो मैं अभी इमेज पे जाता हूँ। यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं। मैं अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि क्लासेस मतलब आप क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हो, यानी कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाले हो एज ए इमेज। तो आप मेरे कंप्यूटर पे या आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ पड़ी, आप वहाँ से भी लेके अपलोड कर सकते हो। आप वेबकैम का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं वेबकैम का यूज़ करूँगा। तो मैं पहले इन दोनों को नाम दे देता हूँ। आपको और क्लासे ऐड करना, यानी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। सपोज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन है, दूसरा एक बॉटल है, तीसरा एक मेरे पास सनग्लासेस हैं। तो आप उसके लिए तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको तीन क्लासेस की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास अभी दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं दो ऑब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक बॉक्स, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक बोया कंपनी का है, तो माइक बॉक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे माइक बॉक्स लिख दिया। अब यहाँ पे एक मेरे पास वॉच का बॉक्स है, तो मैं वॉच बॉक्स लिख देता हूँ, यानी एक घड़ी का बॉक्स है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, वेबकैम को ओपन करना है। वेब को ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए अभी आपको ये दिख रहा होगा, ओपन हो गया। ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, ये मैं इन दोनों को, सबसे पहले माइक का। तो आपको मेक श्योर रहना है कि अगर आप माइक का है तो आपको माइक का ही बॉक्स लेना है। आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम माइक रखा, आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम माइक रखा है। तो अब मैं इसको ट्रेन करूँगा, इसके लिए आपको क्या करना है, होल्ड पे क्लिक करना है, और ये आपको सैंपल्स रिकॉर्ड कर रहा है। आपको दिख रहा है ना, इमेज सैंपल्स, आपको सारे चारों तरफ से इसको रिकॉर्ड करना है। अभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, 234 सैंपल हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं जाता हूँ वॉच बॉक्स पे। अब इस पर मैं वेबकैम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे होल्ड करना है और सेम वैसे ही इसके सारे सैंपल्स को रिकॉर्ड करना है। मेक श्योर रखना कि आपका हाथ ज़्यादा ना आए इसमें। उसके बाद डेटा को ट्रेन करना है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है, तो ट्रेनिंग कुछ थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा, वहाँ पे अपलोड करेगा। तो ये कुछ ट्रेन हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हाँ, तो जब तक ट्रेन हो रहा है मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैसेज है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली एडवांस सैंपल आपको ये बताएगा कि आपको साइज़ क्या रखना है, कितने सैंपल्स को आपको रखना है। अभी यहाँ पे शायद 50 सैंपल्स हैं। अगर आप ज़्यादा सैंपल्स रखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट में 50 सैंपल्स ही है। तो अभी
ऑलमोस्ट हो गया है, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को शो करूँगा, वॉच बॉक्स को, तो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा है वॉच बॉक्स, तो इसकी एक्यूरेंसी कितनी दिखा रहा है, 100%, यानी ये मशीन बिल्कुल श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, वॉच बॉक्स ही है। अगर मैं यहाँ पे माइक का शो करता हूँ तो ये अभी भी श्योर है, मैं किसी भी साइड से दिखाऊँ इसको, तो अभी तो देखो बिल्कुल किसी भी साइड से दिखाता हूँ, ये श्योर है कि ये बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने रिकॉग्नाइज कराया है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को हम जो अब ये पार्ट डेवलपर्स के लिए है या जो इससे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए है, तो आपको एक्सपोर्ट करोगे आप ये, इसमें आपको जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको टेंसरफ्लो यानी पाइथन के लिए आपको एक कोड मिल जाएगा, और लाइट में आपको एंड्रॉयड के लिए मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे हो एंड्रॉयड ओला करके, तो वहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया, लेकिन इसके बाद मैं ऑडियो और पोस्ट पे रिलेटेड बनाने वाला हूँ वीडियोस, और इस कोड को मैं कैसे आर्डिनो में यूज़ कर सकता हूँ। आप चाहते हो कि मशीन ने आपका ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया, तो मशीन का जो में कोई लाइट जल जाना चाहिए या फिर ऐसा मशीन का कोई रिस्पांस आना चाहिए, वो मशीन के रूप में मैं आर्डिनो को यूज़ करूँगा इसका डेटा। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको थोड़ा वीडियोस देखना है उसके बाद कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, आई होप आप सब्सक्राइब कर लोगे, और अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक भी कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।